नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बातें करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा चिंता करना। अक्सर हम अपने लाइफ में क्या होता है ना कि एग्जाम को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के, या फिर किसी लड़की को प्रपोज करने को लेकर के हम अक्सर ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, रात भर सो नहीं पाते। एक ऐसा ही हुआ मेरे दोस्त के साथ में, उसने रात भर सोया नहीं, उसको लग रहा है कैसे मैं करूँगा प्रपोज किसी लड़की को, और रात भर वो सोचता रहा कैसे करूँगा। फाइनली क्या हुआ, जब वो सिचुएशन है, जब टाइमिंग आया तो वो मिल ही नहीं पाए क्योंकि वो लड़की आई ही नहीं। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब भी हम किसी ओवर चीज़ ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारा लाइफ जो है ना वो बहुत बेकार और बदतर हो जाता है। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, सोचनी अच्छी बात है, चिंता कीजिए लेकिन उतना ही भर कीजिए। हमको कहने का मतलब एक ही बात है, चिंता उतना भर कीजिए लेकिन चिंतन कीजिए, सो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत बेहतरीन होगी। हम क्या होता है एग्जाम को लेकर के सारा दिन सोचते रहते हैं, सारा चीज़ कैसे होगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कब स्टार्टअप करेंगे, सारा चीज़ करेंगे, और फिर फाइनली कुछ नहीं हो पाता है। यदि आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, सो आपको लगता है कि कैसे हम अपनी बात को एक्सप्रेस करें, कैसे उनके सामने प्रस्तुत करें, कैसे हम अपने आप को वहाँ पे एक बेहतर इंसान साबित कर सकें, कैसे हम अपनी बात को स्पष्ट उनके सामने रख सकें, ये तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन हम एक कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। सो आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी बात है जो आपको एकदम लाइफ में एक सही पॉइंट पर आपको ले जाएगा, और प्रेजेंट ऑफ माइंड का आप यूज करेंगे और अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा देंगे। दोस्तों, लाइफ में जब भी आपके पास बहुत सारे मुश्किलों समाधान चाहते हैं, मुश्किल तो आती है, इट्स नेचुरल, स्वाभाविक है। अब जैसे आया आपके लाइफ में कोई भी एक बहुत बड़ी काम, कल आप बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाले हैं, बेहतर काम को अंजाम देने वाले हैं, सो आप उसके बारे में सोचिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सोचिए कि आपकी लाइफ बदतर हो जाए और आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या करना है, कुछ बातें को मेरे को ध्यान देना है जिससे आपकी जो एक प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा, और सबसे अच्छी बात यह है एक चिंता की बीमारी हो जाती है लोगों को, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, किसी एक बात को लेकर के उनके दिमाग में बैठ जाता है, वो कैसे होगा, और फिर वो हो भी नहीं पाता है। मेरे लाइफ में ऐसा ही हुआ, मैंने किसी व्यक्ति से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, और मैंने सोचा कि आज बातचीत होगी, बात करेंगे, मिलेंगे, और बहुत सारी तैयारी किया, मैं रात को सो भी नहीं पाया। लेकिन जब मैं फाइनली उस समय आया ना, तो मैं देखा कि वो व्यक्ति से मिले नहीं पाए, वो आ नहीं पाए, अवेलेबल नहीं हो पाए, तो हमारा जो सारा चीज़ जो है टेंशन चिंता फेंके वो सब बेकार हो गया। सो करना वही है, आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई प्लानिंग हो, ग्रेट प्लानिंग कर रहे हो, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन सोचिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, रिलैक्स, शांति से रहिए, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। हर एक बात आप जान लीजिए, जैसे जैसे आप चाहोगे वैसे होगी तो ठीक है, बढ़िया है, और नहीं तो और भी बेहतर आपके साथ में होने वाली है। सो एक चीज़ अगेन मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि आपने लाइफ को एक अलग दिशा क्यों ले सकते हैं और कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से। सो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना, स्टॉप कर दीजिए उसको। जब भी आपको लाइफ में ऐसा हो रहा हो और जिसके कारण आपके काम जो डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कर नहीं पा रहे हो आप, तो उसको स्टॉप कर दीजिए और अपने आप को एक अलग रूप लीजिए। अब कैसे है, कुछ पॉइंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कैसे आप इसको दूर करोगे, जो चिंता की बीमारी हो जाती है, टेंशन में आप चले जाते हो, जो काम समय पर नहीं होता है, आप हताश निराश हो जाते हो। सो जस्ट ट्राई टू मूव इन्वायरमेंट, आप उस इन्वायरमेंट से थोड़ा मूव करें अपने आप को, कहीं चले जाएँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, व्हाटएवर, एक धार्मिक प्लेस वगैरह पर चले जाए, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत अच्छा होता है। जब आप अपने आप को मूव ऑन करेंगे ना लाइफ में तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा चीज़ है, आप बहुत क्लोज, अच्छे, जहाँ पर रिस्पेक्ट वगैरह मिलता हो, सगे संबंधी के यहाँ चले जाएँ, ठीक है, और इस तरह के निजात आप पाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है, सोने से पहले आप चमेली का फूल अपने तकिया के नीचे रख लें और आनंद से टेंशन फ्री होकर के सो जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि ये धीरे धीरे जो है ना बैड हैबिट और जो चिंता की बीमारी आप में हो गई है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। और बात है, यहाँ पे कहीं टूरिस्ट प्लेस पे चले जाएँ जहाँ नदी, झरना, पहाड़ हो, फूल हो, वादियाँ हो, वैसे जगह पे चले जाएँ। पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड को शांति करें, संतुलित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ज़िंदगी एक अलग रूप लेगा, अलग डायरेक्शन में जाएगा और आप इस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो पाएंगे।
हमारी जिंदगी में एक बहुत जरूरी है, स्वाभाविक है कि हमको किसी किसी कार्य को लेकर के चिंता फिक्र टेंशन होता है। इट्स नेचुरल, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हमारा जिंदगी जो है 24 आवर्स हमारा माइंड जो है ना वो वर्क करते रहता। आप सोए भी रहोगे तो उसी के बारे में सोचते रहोगे, कहीं भी रहोगे कुछ भी करोगे उसी के बारे में सोचते रहोगे। ज़्यादा सोचना नहीं है, करना है। और मैंने देखा है सोचने वाले के लिए 365 दिन ठीक है कम पड़ जाते हैं, और करने वाले के सिर्फ एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक दिन में बहुत अच्छा कुछ कर लेते हैं। सोचना ज़्यादा नहीं है, जस्ट ट्राई टू स्टार्टअप। आप कोशिश कीजिए, आप स्टार्टअप कीजिए और बस आप शुरुआत करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। और जब शुरुआत करेंगे नहीं तो सोचते रह जाएंगे, आप सोचते सोचते उस समय भी बीत जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कुछ बातें हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, किसी काम का अंजाम देने जा रहे हो, सो पहले आप देख लीजिए कि ज़्यादा सोच लो, उससे अच्छा आप एक्सपीरियंस लीजिए, उन लोगों से मिलिए जो इस रास्ते में, इस माध्यम में आपको एक बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे संदीप सर हो गए या फिर और भी एक्सपर्ट हो गए, आपके सीनियर लोग हो गए। कुछ बातें ऐसा होता है जो हर किसी को आप शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, या प्यार व्यार का मामला हो जाए, व्हाटएवर कुछ भी, तो चिंता नहीं करना है और आराम से एक सही डायरेक्शन में जाना है। और जिससे आप सोचोगे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि वैसा ही होगा। ये लाइफ में बहुत चेंजिंग होता है, जैसा दिखता है वैसा इंसान होता नहीं है। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपने गोल पे, अपने फोकस पे, अपने लक्ष्य पे, और फिर उस